राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने नगरीय प्रशासन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल श्रवण ने कहा है कि विनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और 29 दिवसीय कर्मचारियों को स्थायी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 26 सितम्बर को शहर की साफ सफाई बंद कर हड़ताल की जाएगी। नारे लगा दो भैया। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। ये प्रदर्शन हमारा लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का 6 महीने से लगातार चला आ रहा है और हमने जो माननीय मंत्री महोदय हमारे जो थे भूपेंद्र सिंह जी, हमने उनको एक मंच दिया था, उसके माध्यम से उन्होंने हमने 18 सूत्री मांग पत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सौंपा था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी बहुत जल्दी सफाईदारों की मांगें हम पूरी करने जा रहे हैं। पर आज देखने में आ रहा है कि 6 माह से 7 माह हो गए हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं। प्रमुख सचिव के चर्चा के बाद भी हमारे काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हमारे पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता और भोपाल नगर निगम का एक एक कर्मचारी आज आंदोलन में शामिल हुआ है। आज भी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगामी दिनों के अंदर हम भोपाल की सफाई व्यवस्था बंद करने जा रहे हैं। हमारी प्रथम मांग है विनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाए और जो हमारे 29 दिवस है भोपाल के अंदर जो प्रथा चलाई जा रही है, हजारों कर्मचारी हमारे को गुमराह किया जा रहा है, उन सभी को स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग। मांग पूरी नहीं होगी तो हम भोपाल की सफाई व्यवस्था बहुत जल्दी बंद करने जा रहा है। पहले भी कई बार आप बंद कर चुके हैं लेकिन फिर आप मैनेजमेंट हो जाता है। नहीं, मैनेजमेंट नहीं होता है, हमारे कर्मचारियों को जब हमने हड़ताल करी है हमने कर्मचारियों को दिलाया है और अब हम जो प्रमुख हमारी दो मांगे, हम जब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं अनिल श्रवण, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का जिला अध्यक्ष भोपाल। आपका